माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय सभा उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं, बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी चौपड़ चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था, अमेरिका से PL-480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था, जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं,
उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने थे। 2G, 3G, 4G। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। और तब भारत की राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए, तब भारत के राजनीतिक चित्रज पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम, और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। कल कह रहे थे हमारे मित्र, बजट का जिक्र कर रहे थे, बजट कम कर दिया गया। माननीय उपसभापति महोदय, ये बताना चाहता हूं, कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया, 2024-25 में यह बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया। और यह केवल कृषि विभाग का है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सब को जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है, ये इनका है। 1,32,000 तो मैंने बताया कृषि, 152 एलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दी जाए तो इसमें 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा माननीय। आपके समय तो ये डिपार्टमेंट एक थे, आप कितने देते थे? माननीय उपसभापति जी, बजट का पर्याप्त प्रावधान है और इसमें सिंचाई तो जोड़े ही नहीं, सिंचाई तो जोड़े ही नहीं। जल शक्ति मंत्रालय अलग है, वो सिंचाई के प्रबंध के काम में लगा है। उत्पादन अगर हमको बढ़ाना है तो माननीय उपसभापति जी, पहली प्राथमिकता होगी किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने की। ये हमको करना पड़ेगा, बिना पानी के खेती नहीं होती। और आज मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई की व्यवस्थाओं में बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, और जब हमारी सरकार आई तो बढ़ा के हमने कर दी थी उसको 47.5 लाख हेक्टर, और उसको बढ़ा के 65 लाख हेक्टर पे लगातार हमारा काम चल रहा है।